कैंपियरगंज विधानसभा के ग्राम सभा कहरौली के मोहनाग प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने बच्चों को स्वेटर भेंट कर के उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागरपति त्रिपाठी, ग्राम प्रधान कहरौली राधेश्याम पांडे, सुशील पांडे, ओम प्रकाश वर्मा, गणेश त्रिपाठी, नटवर लाल, दीनानाथ पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद राय, खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कैंपियरगंज के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा, छोटा होगा तो स्कूल में बदल लेना। प्राथमिक विद्यालय कराई राजन सरोज अभय कुमार छोटू अनीता संजना निर्जला सुंदरी शिवांगी प्राथमिक विद्यालय राजू सुधा बेटी अंकुश जसवंत यादव नीरज यादव सलोनी यादव थोड़ा ज्यादा बीतने लगा लेकिन विलंब हुआ। कई कठिनाइयां थी टेंडर की और तमाम कठिनाइयां थी। अब सीधे गांव में लगभग 70% विद्यालयों में विकास खंडों में स्वेटर की व्यवस्था हमारे बीएसए साहब बता रहे थे पहुंच गई। इसलिए मैं अभिभावक से कहना चाहता हूं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय हमारे जूनियर हाई स्कूल अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैंने सुनौना में कार्यक्रम लगवाया। 6.5 करोड़ के इंटर कॉलेज वीर बहादुर सिंह इसमें इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। सरकारी विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 थे। हमें बेईमान कहिए चाहे ईमानदार कहिए दोनों कैंपियरगंज की धरती पर ला करके काम शुरू करें। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 आए गोरखपुर में कैंपियरगंज की धरती, 1 सोनौरा 1 मछली गांव हनुमानपुर। तो जनता के हित में अगर जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं रहेंगे प्राइवेट विद्यालय में अच्छी सुविधा प्राथमिक विद्यालय में मिले ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। आज ये जो ड्रेस बच्चे पहने हैं देखिए किसी भी नर्सरी या किसी भी प्राइमरी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय से अच्छा ड्रेस हमारे प्राइमरी विद्यालयों में है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सोच थी। आदित्यनाथ जी ने ये विचार किया कि आखिर हमारे गांव में जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनका अगर ड्रेस अच्छा ना होगा, कपड़ा नहीं अच्छा होगा, उनके पास जूते नहीं होंगे तो शिक्षा की जो भावना जो दिमाग में रहता बच्चों का कि हम टाई लगाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, जूता पहनेंगे, स्कूल जाकर के एक ड्रेस में दिखाई देंगे, वो भावना तभी पैदा होगी जब